ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपके सम्मुख रानीबाग चित्रशिला में रहने वाले परमहंस जी महाराज के संबंध में वक्तव्य रखूंगा, जिसमें कई गूढ़ रहस्य जीवन के समझने को भी प्राप्त होंगे। हमारे भारत की धरा पर समय समय पर अनेक सिद्ध ऋषि मुनि पैदा होते रहे हैं और भविष्य में भी होंगे, और जिन्होंने अपने साधना के बल से उपार्जित ज्ञान द्वारा लोक हितार्थ अनेक कर्मों को इस संसार में किया, जिससे इस धरा में त्रितापों से व्याकुल रहने वाले मनुष्यों को अमृत रूप स्नान प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक संत ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज चित्रशिला रानीबाग में भी थे, जो समाधिस्थ हो चुके हैं। परम पूज्य परम वीतराग अपरिग्रही दीन दुखियों पर द्रवित होने वाले अहेतुकी कथा करने वाले संत थे, और वह जान लेते थे कि व्यक्ति किस भाव से मेरे पास आया है और इसकी इच्छाएं क्या हैं। वैसे तो आध्यात्मिक साधना में बल होता ही है, और अपने उपार्जित ज्ञान द्वारा साधक को अनेक अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं, लेकिन इन अनुभवों को साधक किसी को भी नहीं चखा सकता है। उसका अनुभव वह स्वयं उसी प्रकार करता है जिस प्रकार माना किसी गूंगे को कोई मीठी वस्तु खिला दी जाए और जिससे उसको आनंद प्राप्त हो या उसका स्वाद पूछा जाए, तो वह उसका बखान कदापि नहीं कर सकता है। वही सिद्धांत साधना के पथ में भी लागू होता है, और जितने भी गुरु या सद्गुरु हैं वह मार्ग ही प्रदर्शित करते हैं, चलना स्वयं को ही पड़ता है। ऐसे ही परम पूज्य सद्गुरुदेव ब्रह्मानंदपुरी परमहंस जी महाराज भी थे, जिनके पास कई लोग अपने त्रितापों के अंत के संबंध में आते थे, और महाराज जी हर किसी को कुछ ना कुछ अमृत रस का पान अवश्य कराते थे, जिनमें
अनेक अनेक लोग होते थे और परमहंस जी महाराज के दृष्टि में सभी समान थे। वह कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। दीनहीन को अपने गले लगाने वाले ऐसे संत शायद ही अब इस धराधाम में हो। महाराज जी की शिक्षा हमेशा रहती थी, शिव जी से कहो, शिव को मानो। कभी भी किसी की समस्या का निवारण करने के लिए वह स्वयं का श्रेय ना लेते हुए शिव जी के मंदिर में ही भेजा करते थे और शिव जी से ही कहने के लिए कहते थे। अर्थात प्रत्येक को उस परम प्रकाशमान तेज की तरफ ही अग्रसर कर देते थे, क्योंकि जब हम उस परम प्रकाशक रोशनी की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो हमारी छाया रूपी माया पीछे रहेगी। और यही सिद्धांत परम पूज्य का भी था। वह अपने पास आने वाले जिज्ञासु साधक को सीधे परम प्रकाश रूप परम तेजवान सदाशिव भोलेनाथ से ही जोड़ते थे। और होता यह था कि जो भी उनके पास आता उसे लगता कि महाराज जी मुझे ही जानते हैं और मेरे ही करीब हैं, क्योंकि संत का हृदय विशाल है, उसकी अलौकिक क्षमता को जानना सूर्य को दिए दिखाना समान है। परम पूज्य महाराज द्वारा अनेक गरीब बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था की जाती थी। गरीब कन्याओं के विवाह किए जाते थे। और सबसे प्रमुख बात तो यह होती थी कि किसी भी कर्म का श्रेय वह स्वयं नहीं लेते थे। किसी को अपने दुखों की शांति के लिए हनुमान चालीसा का सविधि पाठ पढ़ाते, किसी को हनुमान चालीसा की विधि बताते। और हमें भी जब जब कोई कष्ट या परेशानी हुई तो परम पूज्य सद्गुरुदेव ने अनेकों बार पर प्रदर्शन किया। एक बार की बात है, मेरे परम मित्र जितेंद्र कुमार पांडे जी प्रेम रावत जी के आध्यात्मिक समारोह में, जिन्हें वर्तमान में बाल योगेश्वर भी कहा जाता है, गए हुए थे। मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ ज्ञान की डुबकियों में सरोवर होके आऊँ, लेकिन परम शक्ति को कुछ और ही मंजूर था। मैं जितेंद्र कुमार पांडे जी के साथ नहीं जा पाया। वह वापस आए और मुझे उन्होंने कुछ दिल्ली में हुई बातें बताई, जिन बातों को मैंने सुना और फिर मैं रानी बाग चित्रशिला अपने गुरु के आश्रम पर गया, जहां मैंने परम पूज्य से कुछ बातें कही। तो महाराज जी ने कहा,
कि उनके गुरु या मेरे गुरु या उसके गुरु में कोई भेद नहीं है, यह दृष्टि का भेद है। गुरु सभी एक हैं और जो तुम्हारे जितना नज़दीक है वही सबसे उत्तम गुरु है। फिर मुझे एक संशय और उत्पन्न हुआ कि मैंने तो कभी दीक्षा नहीं ली है, तो महाराज जी से मैंने कहा, परम पूज्य महाराज जी मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा, हम दीक्षा विक्षा कुछ नहीं देते हैं, दीक्षा तो महालक्ष्मी मंदिर में रहने वाले बालकृष्ण यति जी महाराज देते हैं, आप उनके पास जाओ। मेरा जिज्ञासु मन था, मैं रानीबाग चित्रशिला से उठा, कुछ फल फूल और फल खरीद कर और परम पूज्य महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर मैं बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर गया, जहाँ परम श्रद्धेय बालकृष्ण यति जी महाराज विश्राम कर रहे थे। मैंने प्रणाम किया और परम पूज्य से अपने आने का कारण भी कहा कि मैं चित्रशिला रानीबाग हल्द्वानी से आया हूँ, मुझे परमहंस जी महाराज ने भेजा है और मेरी इच्छा दीक्षा की है। शायद मेरे संस्कार या कर्म संस्कार अभी शेष थे, जो मुझे यति जी से दीक्षा मिलने का समय नहीं होगा। तो उतने में ही उनके एक शिष्य आए और बोले, महाराज जी अभी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। तो मैं एक निराश मन लेके किनारे को बैठ गया, शायद शिव मुझे कुछ और ही दिखाना चाहते थे। मैं शांत एकांत उसी कमरे में एक तरफ कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ लोग और आए और जिन महाशय ने मुझसे दीक्षा नहीं देते हैं कहा, वही पुनः उन लोगों को लेकर महाराज जी के सम्मुख आए और कहने लगे, महाराज जी इनको 2 दिन के बाद दीक्षा देनी है। तो मैं अंदर से बड़ा निराश हुआ और बोझिल मन से उठकर वहाँ से आ गया। मुझे यह लगा कि अति संपन्न धनवान के ही शायद संत होते हैं, चाहे वो मेरा अज्ञान हो या चाहे मेरा कर्म संस्कार हो, जो मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हुई और शिव की इच्छा भी यही होगी। मैं तुरंत वहाँ से उठा और फिर चित्रशिला रानीबाग पहुँचा। मैंने कहा, महाराज जी मैं गया था यति जी के पास, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनके साथ अन्य संत थे उन्होंने कहा, महाराज जी अभी दीक्षा किसी को नहीं देंगे, लेकिन मेरे ही सामने अति संपन्न वर्ग के कुछ लोग आए और जिन महाशय ने मुझसे मना किया था वही उनकी दीक्षा के लिए कहने लगे। तो मैं उठ के आ गया, मेरे मन में कोई विशेष भाव उस जगह पर पैदा नहीं हुआ। तो महाराज जी ने कहा, सब शिवजी कराते हैं, शिवजी से कहो। मैं उठकर चित्रशिला में स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर गया और मैंने 11 लोटे जल शिवजी को चढ़ाया और गुरु मंत्र की प्रार्थना की।
वहाँ से पूजा करने के पश्चात जब मैं महाराज जी के पास गया, उन्होंने मुझे प्रसाद स्वरूप चाय दी और एक छोटे से कागज में लिखकर मंत्र भी प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा, हम दीक्षा विक्षा तो कुछ नहीं जानते, लेकिन आप इस मंत्र को जपो और आज से तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही तुम्हारे गुरु हैं। तो ऐसे थे परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस जी महाराज, और उस मंत्र को उसी क्षण कंठस्थ करने के पश्चात मेरे मन में भाव आया कि मैं इसको आत्मसात करने के लिए पूरा अपने अंदर ले लूं, और वह कागज मैंने घटक लिया। इस प्रकार परमहंस जी महाराज ने मुझे मंत्र भी प्रदान किया। तो इस सब उपक्रम में सबसे विशेषता यह है कि बिना अपने इष्ट देव की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम अपना ही इष्ट पूज्य है। अस्तु, आज इतना ही। सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्।